सिविल अस्पताल पठानकोट के गेट के आगे सवारियां उठाने के लिए खड़े होने वाले ऑटो के कारण अस्पताल में आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए ट्रैफिक एजुकेशन सेल की ओर से ऑटो चालकों को जरूरी हिदायतें जारी की गयी। ट्रैफिक एजुकेशन सेल पठानकोट श्री विजय पासी जी ट्रैफिक मार्शल श्री एम एल अत्री डॉक्टर साहब के सहयोग नाल जिहड़ा आ मानयोग एस एस पी साहब श्री दीपक कलोरी जी के दिशा निर्देश अनुसार सिविल अस्पताल के मेन गेट के बाहर जिहड़ा आ वह सैमीनार लगाया गया, जिस विच आम ये शिकायत है कि थ्री व्हीलर वाले जिहड़े आ वह इत्थे गेट के बाहर जिहड़ियां ना सवारियां बढ़ाते समय जाम ला दिंदे। अज उन्होंने समझाया गया है कि जदों कोई एमरजेंसी मरीज कोई बाहरों आ रहा कोई डॉक्टर साहब उन्होंने रैफर कर लिया बाहर ले जाने वास्ते जदों एमरजेंसी जिहड़ी आ गड्डी जाती है तो दिक्कत आती है रुकावट पैंदी है, उन्होंने समझाया कि जे सवारी चढ़ानी जे बिठानी है तो मेन गेट के अगे नहीं बिठानी। अज उन्होंने समझाया गया, अगे तो उन्होंने भी दसिया कि ये बावजूद समझाने दे ना आ जाए तो उन्होंने चलान कटे जाएंगे, उन्होंने ये भी दसिया कि ओवरलोडिंग जिहड़ा आ वो सवारी नहीं बिठानी, गड्डी चला लग्या हैडफोन मोबाइल का इस्तेमाल जिहड़ा वो नहीं करना, तेज रफ्तार नाल गड्डी नहीं चलानी, हमेशा ओवरटेक जिहड़ा आ वो सज्जे पास्यों करना आ। तो मैं बाकी शहर वासियों नूं अपील करना जिदा हुण खब्बे हाथ जिहड़े आ मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा लगे ने लोगों ने, सिर्फ एक 10 रुपये पर्ची बचाने की खातर उन्होंने सड़क दे जाम लाया। मैं उन्होंने अपील भी करना बेनती भी करना कि वो ये जेडे अपना सड़क की रुकावट ना पान, अस्पताल के अंदर जेड़ा अपने टू व्हीलर या थ्री व्हीलर अंदर लाण ता कि आवाजाही में कोई विघन ना पे, तो जे कल कोई चोरी हो जाएगी तो फिर जिम्मेवारी उन्होंने होए। चलान वगैरह भी कटे जाएंगे बाहर लगे गए? बिल्कुल कटे जाएंगे जी, चलान तो फिर कटे ही जाएंगे क्योंकि नो पार्किंग है लेकिन लोगों ने पार्किंग बना ली। प्रधान मिस्टर विजय पासी जी और इंस्पैक्टर देवराज की मदद के नाल अज जिहड़ा सिविल अस्पताल के सामने जिहड़े थ्री व्हीलर लगे रहिंदे आ और यह थ्री व्हीलर पिछले कई सालों तो गेट के बिल्कुल सामने आके खड़ते हैं और यह खड़न के नाल जिहड़े मरीजों नूं परेशानी आती है कि वह मरीज कई बड़े सीरीयस होंदे आ, कई हार्ट की प्रॉब्लम होंदी है, कईयां नूं न्यूमोनिया होया हुंदा है और वह मरीज 10-10, 15-15 मिनट इन्हां नूं बाहर निकल के इन्हां नूं ढांदे अपने आप और जिदे करके कई बार मरीज की कैजुअलिटी भी हो जाती है। इस करके साडी अज यही गुजारिश है कि मेन जिहड़ा सिविल अस्पताल का जिहड़ा मेन गेट है वह अगे जिहड़ा कोई भी थ्री व्हीलर नहीं रुकना चाहिए और जो खब्बे सज्जे पासे जो मोटरसाइकिल लगे हुए हैं वो भी नहीं लगने चाहिए क्योंकि अंदर ठेका लिया हुआ अंदर 10-20 रुपये की पर्ची बचाने की खातर इतने थ्री व्हीलर वाले बाहर खड़े कर देते हैं, जो टू व्हीलर वो खड़े कर देते हैं जिसे करके मरीजों को बहुत परेशानी आती है और अं यही एक कह सकते हैं गुजारिश कर सकते हैं सारे ऑटो वाले टू व्हीलर भी काइंडली अगे तो ख्याल रखन कि घट्टो घट सिविल अस्पताल गेट के सामने कोई ऑटो नहीं होना चाहिए कोई टू व्हीलर नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी वो आवाज नहीं आते तो फिर नैक्सट टाइम उनका चलान कटिया जाएगा जी। वहीं मरीजों को इलाज के लिए पहुंचाने हेतु हर कोई सबसे पहले रास्ता देता है लेकिन अस्पताल के बाहर खड़े होने वाले ऑटो इस काम में परेशानी बन रहे हैं, इसलिए ऑटो चालकों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझे और गेट के बिल्कुल सामने अपने ऑटो को ना खड़ा करे और साथ ही सड़क के किनारे किसी सही स्थान पर सवारियां उठाने के लिए अपने ऑटो को खड़ा करे ताकि इससे जाम की स्थिति भी ना पैदा हो सके। पठानकोट से अजय कुमार और लक्ष्मी महाजन की रिपोर्ट।